और दूसरी जो है वो निकल जाती है 3:30 बजे। काना जी बैठ गए हैं, जो वो चला दी है, 4 बजे से खड़ा हूँ। टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले लिया है, चंडीगढ़ दिल्ली कांगड़ा 13 बनखंडी की तरफ से। ड्राइवर बना था नया, उस पर जल रहे हो, कितनी प्यारी लग रही लाइट। Hey guys, welcome back to the channel. I hope आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही होने चाहिए। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि मौसम एकदम क्लियर हो गया है, जो पिछले एक हफ्ते से जो थोड़ा बारिश हो रही थी, मौसम ठंडा हो रहा, तो आज का मौसम जो एकदम क्लियर हो गया। और जो दिल्ली जाने का मेरा प्लान बना था ऑफिस पार्टी के लिए, वो भी फिलहाल मैंने फाइनल कर दिया है। तो आज निकलने वाला हूँ मैं दिल्ली जा रहा हूँ। मम्मी भी आ गई, क्योंकि यूपी अभी छोटा है काफ़ी, तो वहाँ यहाँ पर भी एक बंदा और चाहिए। पूरी तैयारी हो गई है। तो दिल्ली जाने का सीन कुछ ऐसा था, तो बन रहा था कभी जैसे बारिश आ रही थी, मौसम ख़राब सा हो रहा था, कभी मन कर रहा जाने का, कभी नहीं कर रहा था। और साथ में एक दूसरा रीज़न ये था कि यहाँ से जो डायरेक्ट बस है, एक मॉर्निंग जाती है, उसका टाइमिंग कुछ पता नहीं लग रहा कि कितने बजे जाएगी, और दूसरी जो है वो निकल जाती है 3:30 बजे। तो 3:30 बजे अगर मैं यहाँ से बस में बैठता तो उसमें क्या होता, तो सुबह उसका टाइमिंग का नहीं पता था कितने बजे पहुँचेगी, कितने बजे पहुँचेगी, और शायद काफ़ी लंबे रूट से जाती। तो फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ से जाऊँगा पालमपुर, और पालमपुर से फिर जो पालमपुर से तो बसें ही बसें हैं, मतलब जितनी मर्जी बसें आप ले लो, जो मर्जी मिल जाती है। तो पालमपुर से बस पकड़ूंगा और फिर वहाँ से दिल्ली के लिए चलूँगा। ये भाई सब सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, सबसे पहले उठ जाते हैं। और कान्हा जी बैठ गए हैं, जो वो चला दी है भगवान जी की। फुल ऑन सेट रेडी हो गया मैं दिल्ली जाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 बजे। और नासी प्रियंका भी बैठे रहो, प्रियंका जैसे आ जाएगी तो उससे मिलकर यहाँ से निकलूंगा पालमपुर वाले घर के लिए। घर से जाऊँगा पालमपुर बस स्टैंड और फिर वहाँ से देखूंगा कौन सी बस है। वैसे तो ये है कि फरीदाबाद में है घर, तो फरीदाबाद की अगर डायरेक्ट बस मिल जाएगी, वो एक ही बस जाती है हरियाणा रोडवेज की, अगर वो मिल गई तो उसमें चलाऊंगा, अगर वो नहीं मिली तो फिर बाकी तो बसें काफ़ी सारी वहाँ पर, तो जो भी मिलेगी फिर उसमें बैठ के फिर जाऊँगा आगे। क्यों भी मुन्नु, हाँ अच्छा मुन्नु, बाय बाय, चलो बाय बू। क्या लाना है, बैग लाना, स्कूल बैग, यूनिकॉर्न वाला बैग लाना है, ठीक है यूनिकॉर्न वाला बैग लेंगे। चलो ठीक है, बाय है। अच्छा ठीक है बाय। ऐसा भी पहुंच गया हूँ पालमपुर वाले घर में, और मिठाई भी ले आया हूँ मैं। मिठाई मैंने यहाँ की इसलिए ली क्योंकि वो वहाँ की दिल्ली की मिठाई लेके आया, तो मैंने सोचा क्यों ना अब हिमाचल की मिठाई खिलाई जाए कि हिमाचल की मिठाई कैसी होती है, इसलिए मैं मिठाई यहाँ से लेके जा रहा हूँ। एक चीज़ ये है, और दूसरी चीज़ ये कि सुबह सुबह पहुँचूंगा तो मिठाई की दुकानें वुकानें तो खुली नहीं होंगी, तो इसलिए भी यहाँ से लेके जा रहा हूँ। तो फिलहाल मैं पहुँच गया हूँ पालमपुर बस स्टैंड में, और ये इस तरह से कुछ नज़ारा है पालमपुर के बस अड्डे का। यहाँ पर मैंने जैसे कि पता किया कि कोई फरीदाबाद वाले की बस, तो वहाँ काउंटर तो बोलते कि हमें हिमाचल वाले का पता होता नहीं पता, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ये जो दुकानें हैं यहाँ पर भी पता किया, तो इन्होंने भी कहा कि आइडिया नहीं, इतनी सारी बसें आती हैं। एक भाई मुझे यहाँ पर मिले हैं, उन्होंने बोला कि मैं 4 बजे से खड़ा हूँ, तो मुझे कोई बस नज़र नहीं आ रही हरियाणा की। जिस तरह से भैया ने बताया, तो आई थिंक कोई बस आ नहीं रही हरियाणा की बस अड्डे में। टिकट काउंटर से मैंने टिकट ले ली है, टिकट लेनी मैंने, और यहाँ पर ये हरियाणा रोडवेज की बस भी आ गई है, और ये हमारी बस है जो जा रही है पालमपुर चंडीगढ़ दिल्ली कांगड़ा 13 बनखंडी की तरफ से। 6:12 का टाइम है, सो आई एम ऑल सेट रेडी टू गो। सो फाइनली बस चल पड़ी है हमारी पालमपुर से। अरे वॉइस में चार्जिंग पॉइंट भी है, तो मतलब हिमाचल की बसों में काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। ये सीट्स जो हैं ये भी काफ़ी स्पेसी है, काफ़ी चौड़ी हैं, आराम से बैठ सकता है बंदा मतलब। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड में। ये चंडीगढ़ सेक्टर 17 का बस स्टैंड है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जैसे कि लाइन लगा के यहाँ पर हरियाणा रोडवेज की बसें खड़ी हैं, सारी हरियाणा रोडवेज की नज़र आ रही हैं अभी तो फिलहाल। और आगे जाके देखते हैं जहाँ पर बस लगेगी, तो वहाँ से आपको थोड़ा नज़ारा दिखाते हैं। फिलहाल तो हरियाणा रोडवेज की सारी बसें नज़र आ रही हैं। तो 1:15 हो रहे हैं दोस्तों इस वक्त, और ये इधर खड़ी है हमारी बस राइड में लग गई चंडीगढ़ के बस स्टैंड में, और ये कुछ इस तरह से नज़ारा है, खाली खाली सा ही है ये बस स्टैंड चंडीगढ़ का। दिवाली के टाइम पे जब सीज़न आएगा, 2-4 दिन रह जाएंगे, तो काफ़ी रश होगा यहाँ पर। और ये इस तरफ है दुकानें जो हैं, सेक्टर 17 का ये बस स्टैंड है। तो दोस्तों बस स्टैंड जो है इस वक्त खाली खाली सा है, मतलब ज़्यादा बसेस नहीं है, और दूसरे स्टेट की जो है एक दो ही नज़र आ रही है मुझे तो यहाँ पर, और ये हमारी बस खड़ी है।
चंडीगढ़ सेक्टर 17 से मिल चुकी है हमारे पास, और अब रुकेगी शायद एक जगह और रुकेगी, टाइम आने के लिए रुकेगी और उसके बाद सीधा दिल्ली। टाइम 3:15 बजने वाले हैं। यहाँ पर बस रुकी है थोड़ी देर के लिए, चाय के लिए 15 मिनट के लिए। ये यहाँ पर हमारी ये बस यहाँ रुक गई है। दोस्तों नाश्ता पानी में कर लिया, चाय वाय पी ली एकदम मस्त। दोस्तों ये लास्ट स्टॉप था जहाँ पर बस रुकी थी नाश्ता पानी करने के लिए, यहाँ से निकल गया। उसके बाद कोई स्टॉप नहीं आएगा, जाएंगे दिल्ली। मॉर्निंग दोस्तों, फाइनली हम दिल्ली के अंदर एंटर हो गए हैं। लाइटें देखो कितनी प्यारी जल रही है, ये लाइटें जो जल रही है ना, ये कश्मीरी गेट पर जो फ्लाई ओवर बना था नया उस पर जल रही है, कितनी प्यारी लग रही है लाइटें, है ना कलर। कश्मीरी गेट एंड बाईपास के पास जो फ्लाई ओवर है उसमें लाइटें हैं, आपने देखी होंगी। दोस्तों दिल्ली पहुंच गए हैं और ये जो